हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आज क्लास 12th का इंग्लिश स्कोर का पेपर था और उसके दो सेट थे। एक था 001/2/4 और दूसरा था 001/1/4। ये दो सेट थे। इन दोनों सेट की जो आंसर की है ना, ठीक है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट वाले की, यानी 001/2/4 वाले की, ठीक है। ये उसका पेपर देख लीजिए आप, ये 001/2/4 ये इसका कोड नंबर है और सेट नंबर है इसका 4, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी सी है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर डी है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। इसका सेवंथ क्वेश्चन का आंसर डी। एट क्वेश्चन का आंसर ए, ओके। देन क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर टेन का सी, क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो आंसर है वो है ए, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो आंसर है वो है सी, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, थर्टीन का आंसर है ए, थर्टीन का आंसर हो गया ए। फोर्टीन का आंसर है बी, फोर्टीन का आंसर बी। फिफ्टीन का आंसर सी, फिफ्टीन का सी। सिक्सटीन क्वेश्चन अगर देखें तो सिक्सटीन क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का आंसर होगा डी, ओके। क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर है सी, ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, आपको मिलेगा बी, ओके। 21 का आंसर सी है, ओके। 22 का आंसर आपको बी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है डी, ये क्वेश्चन नंबर 23 का डी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सी आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 28 का सी। 29 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 30 का आंसर आपका डी करेक्ट है, 30 का डी करेक्ट है। इसके बाद 31 में जाएंगे, ये है 31, सी ऑप्शन करेक्ट है। 32 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 33 पे चलते हैं, ये 33 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 33 के बाद 34 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 35 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। 35 के बाद हम जाते हैं 36 में, 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 37 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 37 का। फिर 38 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 38 के बाद 39 में चलते हैं, 39 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 के बाद 40 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। फिर 41 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 41 के बाद 42 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 45 में ए ऑप्शन करेक्ट है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं 46 पे। 46 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 47 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 48 की बात करें, 48 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 48 के बाद 49 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 के बाद 51 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 52 की अगर बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 52 के बाद हम चलते हैं 53 में, 53 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 54 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 55 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 55 में डी। 56 में ए ऑप्शन करेक्ट है, 56 में ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद 57 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 58 की बात करें, 58 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 59 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 60 इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आपने सारे आंसर की देख ली है। ये मैं आपको दूसरी, ये जो आंसर की है
दूसरा पेपर यानी दूसरा जो कोड है 00114 उसकी आंसर की है। तो फर्स्ट का ऑप्शन है बी करेक्ट है, सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है, इसके बाद थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, सिक्स का ए ऑप्शन करेक्ट है, सेवन्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, एट का सी ऑप्शन करेक्ट है, नाइन का ए ऑप्शन करेक्ट है, टेन का बी ऑप्शन करेक्ट है, इलेवन का सी ऑप्शन करेक्ट है, इसके बाद ट्वेल्व का डी ऑप्शन करेक्ट है, थर्टीन का सी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्टीन का सी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्टीन का ए ऑप्शन करेक्ट है। ये 15 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम चलते हैं 16 से, ठीक है। तो 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है, इसके बाद 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 24 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 26 का 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 28 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 30 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 32 का डी ऑप्शन करेक्ट है, इसके बाद 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 34 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 35 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 36 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 38 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 39 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 40 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 41 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 44 का ए ऑप्शन करेक्ट है और 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए हम 46 से बात करते हैं। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, 47 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 48 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 49 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 50 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 51 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 52 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 53 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 54 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 55 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 56 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 57 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 58 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 59 का सी ऑप्शन करेक्ट है और 60 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए यहाँ पर दोनों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आने वाले आंसर की आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को यानी कि ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए।